महाराज की जय हो। महाराज रथ प्रस्तुत है। नहीं सारथी, आज तुम नहीं, स्वयं हम अपनी बहन देवकी के सारथी बनेंगे। जो आ गया महाराज। चलो वसुदेव, आओ बहन। आपका स्वागत है। आप बड़े ही शुभ घड़ी पर पधारे हैं। देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने ही आया हूं मथुरा नरेश। मैं तो कब से इस लग्न की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सौभाग्यवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव, मथुरा नरेश, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र तुम्हारा काल होगा और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। लगता है तेरा जीने से जी भर गया है ऋषि। मैं ये आकाशवाणी सुन चुका हूं मथुरा नरेश। कन, तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का आठवां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा और उन्हें किसी भी पुत्र को जन्म देने के लिए जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ना करो कंस, ऐसा ना करो। अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के बच्चों से है ना, मारना है तो उन्हें मारो। यदि तुमने वो बच्चे मुझे ना दिए तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना और जब तक तुम्हारा भय दूर ना हो हमें मुक्त न करना। मैं भी कितनी अभागन हूं कि मां बनने की खुशी भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा आने वाला बालक अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखवा कर लाया है। देखो देवकी, यूं देखना है तो ब्रह्मा की ओर देखो, जिसने तुम्हारी कोख को मेरी और अपनी रणभूमि बना दिया है। मैं क्या करूं बहना, मैं तो स्वयं इस चक्रव्यूह में फंस गया हूं। ला,
दाई अपना पुत्र मुझे दे दे। नहीं, नहीं दूंगी, नहीं। नहीं दोगी तो मैं छीन लूंगा। परंतु तुम्हारे संकट का कारण तो हमारा आठवां पुत्र होगा कंस। ये तो हमारा पहला ही पुत्र है, इसकी हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा? सपोला तो सपोला ही होता है मित्र, चाहे पहला हो चाहे आठवां। अरे इतना निर्दयी, इतना निष्ठुर नपन कंस, भगवान से डर। ये बच्चा तेरा भांजा है। भांजा नहीं, मेरी ओर आता हुआ ब्रह्मा का पहला बाण है और उसके तुणीर में जो आठ बाण है, मैं उन आठों बाणों को काट के फेंक दूंगा। अरे भांजे से तो राक्षस भी प्यार करते हैं भैया। बार बार भैया कहकर मुझे निर्बल बनाने का प्रयत्न मत कर देवकी। अरे कैसी बहन है तू, अपने भैया का जीवन नहीं चाहती? अरे तो इसकी हत्या क्यों करते हो भैया? मेरी हत्या कर दो, ना रहेगी देवकी, ना ही जन्मेगा उसका आठवां पुत्र। मुझे अपना बच्चा दे। नहीं भैया। मैं कहता हूँ बच्चा दे। नहीं भैया। बच्चा दे। नहीं भैया। मैं कहता हूँ बच्चा दे। और इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 कुलदीपक बुझा दिए, किंतु सातवें गर्भ को संकर्षण द्वारा ले जाने वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी आ गई। क्या सोच रही हो देवकी? यही कि इस गर्भ में पल रहे बच्चे की भी अवश्य हत्या होगी। मैं भी कैसी माँ हूं, एक के बाद एक 6 पुत्रों की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई और मैं अभी तक जीवित हूं। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में अब सहा नहीं जाता, इसलिए आज मैं तुम्हारा गर्भ लेने आई हूं। मेरा गर्भ लेने आई हो? हाँ, अपना ये गर्भ मुझे सौंप कर तुम इसकी ओर से निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे इस पुत्र तक मैं कंस के हाथ कभी नहीं पहुंचने दूंगी। ये चाहिए दीदी, मेरे पुत्र पर तुम्हारा अधिकार मुझसे कम नहीं। तुम क्या कह रहे हो राजवैद्य? हाँ महाराज, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी परसों तक तो गर्भ था, परंतु आज गया तो गर्भ का पता ही नहीं।
मेरे लल्ला। रोमत चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो तेरा मामा कंस आ जाएगा। रोमत ना, ना बेटे, ना। इसे रोको, इसे रोने तो देख। कंस को यह समाचार मिले तो कि हमारे आठवें पुत्र ने जन्म ले लिया है। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है, इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहां छोड़ आओ। परंतु आप जाएंगे कैसे? आपकी तो बेड़ियां पड़ी हुई है। प्रतीक्षा कर रहा था। यह है देवकी का आठवां पुत्र। आओ, वसुदेव के आठवें पुत्र नन्हे वासुदेव, आओ नंद की गोदी में आ जाओ बेटे। आभारी हूं वसुदेव जी कि आपने संकट के इस क्षण में अपने इस मित्र पर भरोसा किया, मेरा गौरव बढ़ाया। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, यही तो कंस के अत्याचारों से भारतवर्ष को मुक्त कराएगा।
यशोदा ने अपनी पुत्री भेजी। अपना आठवां पुत्र दे देवकी। आपके तो पुत्री चलती है भैया। तेरी कुंडली में पुत्री है ही नहीं। नहीं भैया। कहाँ है तेरा आठवां पुत्र? अरे भगवान से डर कंस। मैं भगवान से नहीं डरता, डरता हूँ तो केवल देवकी के आठवें पुत्र से। कुछ भी हो, मुझे तो देवकी के आठवें बच्चे का वध करना ही है। अरे तेरा वध तो हमारा आठवां पुत्र करेगा ना कंस। मुझे आठ तक की गिनती अच्छी ही नहीं लगती। बच्चा दे। नन्हे को देखने मैं तो कब से आंखें बिछाए हुए थी कि अब आएंगी रोहिणी बहन, तब आएंगी रोहिणी बहन। बड़ी राह दिखाई। मैं मथुरा थी दीदी, अभी आए। ये देखो मैं कान्हा के लिए मोर पंखी मुकुट लाई हूँ। सुंदर है। No!
चंद्र है जी, कान्हा उस राक्षसी के पास। नंद है जी, वो देखिए कान्हा, मेरा कान्हा, यशोदा पूतना है। पूतना कौन? कंस की दाय। कंस की दाय? कंस की दाय। क्या कहा, पूतना मर गई, उसे कौन मार सकता है? समाचार तो यही मिला है महाराज। जाओ कान्हा, जाओ कान्हा, कान्हा। बजाओगे ना? मेरी मुरली सुनते तो सभी हैं, पर मैं बजाता हूँ केवल तुम्हारे लिए। आज की मुरली मैं किसी और को नहीं सुनने दूंगी। महाराज ने मेरे पुत्र को क्यों बुलवाया है?
ये ना पूछिए नंदराय जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी और महाराज भी कि कान्हा किसका पुत्र है। नहीं, परंतु मुझे महाराज पर भरोसा नहीं है। देखिए अक्रूर जी, हमने इस बालक को बचाने के लिए कई बालकों का बलिदान दिया है, तो फिर उन बलिदानों का योगफल क्या यही निकला कि हम कान्हा को महाराज के पास भेज दें? नहीं, मेरा कान्हा महाराज की गैया नहीं है कि वो जब चाहे तब उसे मथुरा हकवा ले। यदि आप ये चाहते हो कि मथुरा से सेना आकर सारे नंदगांव का सर्वनाश कर दे, तो मुझे कुछ और नहीं कहना है नंदराय जी। मुझे दोगी सुंदरी? चंदन का ये लेप तो मैं महाराज के लिए बनाती हूँ श्याम, परंतु तुम इसे अवश्य लो, मैं ही लगा देती हूँ। धन्यवाद। चुप कर क्यों चलती हो? प्रयत्न तो करो, सहायता के लिए हम जो खड़े हैं। प्रयत्न करो। हाँ, प्रयत्न करो। पता नहीं महाराज, जीवन में आज पहली बार भय का अनुभव हो रहा है। महाराज कंसी जय! महाराज कंसी जय! महाराज कंसी जय! सारा प्रबंध हो गया है महाराज। महावत को समझा दिया है ना, यदि उसने ये कार्य नहीं किया तो उसे क्या दंड मिलेगा? सब समझा दिया है महाराज। मर गया, बचाओ, बचाओ, महावत! और ये हाथी तो ऐसा मस्त हुआ है कि स्वयं यमराज को भी न छोड़े, और वो तो केवल एक बालक है महाराज। Thank you.
कह रहे हो महामंत्री। उस मस्त हाथी ने उसे प्रणाम किया। अचंभा। दोनों भाई प्रवेश कर चुके हैं महाराज। क्या क्या है? मस्तक। जो आज्ञा महाराज। स्वागत है। आप चलिए, मैं बाबा के पास बैठता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। पर्वत को चूर चूर करने वाला चाणूर। व्रज लीला बहुत हो चुकी। अब मृत्यु लीला होगी। जैसी जिसकी कामना, जैसी भावना, लीला वैसी ही होती है। अरे ये तो बालक है। ये तो अन्याय है। आंखें तरस गई थी। जाओ अपने मामा के गले से लग जाओ कि मेरे कलेजे में लगी अग्नि ठंडी हो जाए। मिलन के इस क्षण के लिए मैं भी व्याकुल था मामा जी। हाँ।
कंस को मारा, मथुरा में शांति स्थापित हुई। मोर मुकुट वाले यशोदा के लल्ला, देवकी के कृष्ण, महाभारत के महानायक, गीता के नायक, अर्जुन के सारथी, अन्यायी कौरवों के वंशधा के मुख्य कारण एवं द्रौपदी के अपमान का प्रतिकार करने वाले, पांडवों को उनका अधिकार दिलाने वाले श्री कृष्ण की जय।